गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रैपर के बारे में जिसने मतलब रैप की दुनिया में आके एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया, और पिछले कई महीनों से लगातार वो एक कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाता जा रहा है। एंड आज की दुनिया में जब लोगों के पास कंटेंट की बहुत कमी है, जैसे कि हमारा बॉलीवुड देख लो, हर रोज़ दूसरे दिन कोई ना कोई नया गाना आता है लेकिन सब चोरी के होते हैं। पुराने गाने होते हैं उनको रीमेक किया जाता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ फन और ये नया एंटरटेनमेंट जो कि बीट्स और रीमिक्सेस के बेस पे बनाया जा रहा है, ये मतलब इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है क्योंकि नया कंटेंट तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कुत्तों की जिंदगी, कुछ नए गाने नहीं देखने को मिल रहे हैं, सबके सब हर मूवी के अंदर जो भी नया गाना आता है वो सब का सब कोई ना कोई पुराना रीमेक होता है। एंड यस, उसको आज के तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा सा उसमें तड़का मसाला डाला जाता है, बट वो गानों में वो वाली बात नहीं आ पाती क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनली होती है। और जब उसका रीमेक किया जाता है तो मतलब 100 गाने उठाओगे तो मुश्किल से 5 या 6 गाने ऐसे होंगे जिनका रीमेक अच्छा बनेगा। बट ऐसे कॉम्पिटिशन के टाइम पर भी अगर आपको ऐसा कोई मिलता है जो कि सच में कंटेंट लेके आ रहा है एंड लिटरली वो भी एक अलग जॉनर में, तो भाई वो कोई और नहीं कर सकता, वो कर सकता है अपना एमिवे बंटाई, मालूम है ना। तो भाई अंगार है अंगार, बाकी सारी दुनिया भंगार। और ये एक लाइन है जो मुझे एमिवे बंटाई पे हमेशा फिट करनी आती है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो लिटरली वो एक ऐसी चीज लेके आता है जो कि दुनिया के भंगार से बिल्कुल अलग होती है। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, और सच में दिल में उतर जाती है। और काफ़ी सारे गाने उसके इतने ज़बरदस्त हैं पुराने जिन्होंने रैप की दुनिया में अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है और लोगों को अंडरग्राउंड रैपर बना दिया है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लोगों में एक अलग तरह का क्रेज़ बनता जा रहा है रैप के लिए, और लिटरली एक लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज़ कन्वे की जा सकती है, लोगों को इस तरह से भी कोई मैसेज कन्वे किया जा सकता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जा सकती है, एक सोशल मैसेज दिया जा सकता है और सब कुछ। एंड गाइस, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक बार फिर से एमिवे लेके आया अपना एक नया गाना एक नए रैपर के साथ जो कि कैनेडियन बेस्ड रैपर है। माय नेम इज डैक्स, डैक्स नाम है उसका, और बहुत ही मतलब ये गाना जो है बहुत ही लिट लग रहा है, एक नंबर ऑसम नंबर गाना लग रहा है। सो गाइस, डैक्स और एमिवे की इस जोड़ी को एक बार फिर से नजर मारते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया लेके आया है इस बार। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। देर नहीं करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ अलग है और कैसा बनाया ये गाना। तो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग। आमची मुंबई इंडिया, डैक्स एमिवे। आई बीन दैट, डैक्स आ गया। माय नेम इज डैक्स, ओके, आई लाइक इट मैन, या I cross seas to check the temperature. Found myself in India, Hollywood to Bollywood with bars from Nigeria. Pause. Inspected the criteria. Realized the foreign ties are great if not superior. I've been that. Fuck that shit. Dax is going global. I ain't never been the type to say I told you, but I told you that I told you that I would graduate from local and evolve into a CEO, millionaire mogul. So time. Cross T's, dotted I's. Realized, recognized, real guys. Stop wasting time. I got me flight overseas, got to work and started building foreign ties. Yeah, nigga, I've been that. Studious at best, I wasn't first inside my class, but I was first to get ahead. Told my teacher I was dropping out of math, cause I didn't need no dumb equation just to teach me how to calculate success. Algebraically though, I've been the factor. Multiplied my capacity from slave into master. Multiplied my capacity from poet into rapper. Stopped asking niggas questions, started giving niggas answers. That's the truth. This is calculated murder when I step inside the booth. Premeditated murder when I'm serving niggas truth. This is elevated thinking, how I educate the youth. Telling niggas read a book instead of sitting in a school. Yeah, I've been that. The prerequisite. Thug life, I've been that. Nigga, I've been that. Swear to God, on God, motherfucker, yeah, they know I've been that. Yeah, nigga, I've been that. नहीं मालूम है तो सुन, हमें वही था जब यूथ मेरे दो थे, हमें वही था सुनाने वाले सौ थे, हमें वही था जब लोगों ने कहा कि तेरी बोली नहीं चलेगी, लेकिन आज देखो जाम हुए ए छोटे, ध्यान दे रे फ्लो पे, अपने गाने पे नाचे बॉलीवुड के पोते, मजे ले ले लाला आजा मेरे शो पे, किए करूं बीट पे जब मिलते मुझे मौके, मेरे गाने मेरे आंसू को पोछे, अंडरग्राउंड यहाँ तक पहुंचेगा क्या कभी तुम सोचे, इंडिपेंडेंट सीन बात कम शॉर्ट ज्यादा, दूर करने आया हूँ मैं ड्रामे और लोचे, ये रैपर अटकेले है बीच में ही, इनका ऑर्गेनिक रीच नहीं, ये अगर चले करेगा कहीं पे मेरे बारे में तो तेरे को मिलेगा मेरे जैसा कोई नीच नहीं, आउट ऑफ रीच पे हाँ बीच पे हूँ मैं, ऊपर वाले के दिए हूँ
चक्के मारने के लिए खड़े ला क्रीज पे हूं मैं, दौड़ लगाने के लिए तैयार नीस पे हूं मैं, इंक्रीज पे हूं मैं, डिक्रीज पे है तू, खुद को प्रॉब्लम देना जानता हूं प्लीज बोलो क्यों, किसी को भी किसी विस्सी ले रहा मजे मैं ओबीसी बीसी पहले इजी नहीं था कुछ भी लेकिन डिग्री किसी किसी से सुना कि ऐसे नहीं चलेगा काम तेरा सिर्फ सबके मुंह पे सिर्फ लगाया काम मेरा रेसिपी जाना चाहते हैं पहले कमेंट में से भी इनके गाने लगते जैसे बोल रहा हूं मिस्टर बीन को रेस्ट इन पीस क्यों कर मैं जो तू कर मैं करूं वो जो ना करे तेरे सर बंदर तेरा तो छोड़ मैंने गेम जेट मारूंगा हंटर जाऊंगा बनकर हीरो वीरो पे छुपा के रखा है तेरे को थेरेपी मिलेगी गाना सुनेगा तो इन्हें नहीं पता कितना सारा मेहनत लगता है बेटा एक गाना बनाने को आइटम को नहीं आता खाना बनाने को रैप को नहीं आता गाना बनाने को मैं भी एक रैपर नहीं सुनता तेरे परेशानी है मेरी तो जाने दो ओ व्हाई आर आग लगा दी भाई ने आग सुन अल्टीमेट सॉन्ग है इस अल्टीमेट मतलब मजा आ गया मतलब मुझे सच में एमिनम के बाद किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस किया है तो वो एमिवे ही क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए और लिटरली जो स्पीड ये पकड़ के रखता है वो भाई बहुत सही है मैं मतलब ये गाना जो है बहुत ही लिट लग रहा है एक नंबर ऑसम नंबर गाना लग रहा है थोड़ा सा इंग्लिश में है उसके बाद भाई का इंतज़ार ख़त्म होता है और आखिरी में आता है आधे गाने के बाद मतलब लिटरली अगर कोई एमिवे के साथ गाना गा रहा है तो टू बी ऑनेस्ट वो पूरा का पूरा ओवरशैडो कर देता है उस चीज़ को और किसी भी और की हमें ज़रूरत नहीं है आपके गाने में एमिवे तो प्लीज़ अगर आप ये गाना गाते हैं तो लिटरली पूरी म्यूज़िक वीडियो में हमें आपको ही देखना है और ये एक व्यूअर की चॉइस है एंड व्यूअर की डिमांड पर ही सब कुछ होता है और लिटरली अगर एमिवे है तो एमिवे मींस एमिवे हम पूरी वीडियो में तुम्हें देख सकते हैं भाई चार मिनट पांच मिनट जितनी लंबी वीडियो बनाओगे हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं है खुश हूं मैं तुझे देख के करूं मैं खाली बली जो इंडियंस हैं जो एमिवे के फैन हैं जो अपने बंटाई के फैन हैं वो लोग तो इंतजार करते हैं उस पल का जब अपना एमिवे ड्रॉप गिराता है और आता है लेके एकदम तोड़ू फोड़ू रैक सो गाइस हमें इंतजार रहेगा एमिवे के ऐसे गानों का आगे भी और लिटरली हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा गानों को इंग्लिश में ना बना के हिंदी में बनाए क्योंकि जो बात देसी में वो विदेशी में नहीं है ये बात हमारे इंडियंस से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं समझता है और लिटरली उन्हीं पे ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं क्योंकि उनकी पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लो जो 100 मिलियन से ऊपर हैं वो सब की सब लोकल लैंग्वेज में और वो हार्ड कोर सॉन्ग्स हैं जो कि थप्पड़ है तमाचे हैं मुंह पे लोगों के मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सब चाहिए ऊपर से शब्दों का चाटा है एंड लिटरली ऐसे ही गाने हमारे देश में चलते हैं तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये गाना और क्या कुछ नया मिल सकता है देखने को अगली वीडियो में एमिवे की क्योंकि एमिवे है तो कुछ भी हो सकता है तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना जरूर क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी तो इसी के साथ आई एम आवेश कुमार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे मिलते हैं अगली बार बाय बाय